भाई ये रहमान साहब के साथ कैसे जुड़े हैं, मतलब मार्वल का एंथम, फिर वो बियॉन्ड द क्लाउड्स उसमें का जो गाना था मोटर वो हाँ करके, एंड फिर हॉकी का एंथम, मतलब तो रहमान साहब से कैसे जुड़े। अच्छा भाई एक चीज है जिसके लिए मतलब वैसे आपको बहुत प्यार रिस्पेक्ट करते और ज्यादा करते बहुत सारे लोग, तो मैं भी द धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट वो जिन जिन लोगों ने उसके बारे में बताया वो सब सरप्राइज हुए कि एक धारावी जगह मुंबई में वहाँ पर एक स्कूल है वो सुबह 8 से 3 वहाँ स्कूल होता है, लेकिन 3 से रात के 9 बजे तक मेरे ख्याल से वहाँ हाँ। पर हिप हॉप की क्लासेस होती है, वहाँ पर अच्छा। हिप हॉप सिखाते हैं। सो भाई ये और आप वहाँ पर टीचर हो, सो ये जो चीज डॉली जी डॉली मैम डॉली मैम वो देखती है, तो ये जो पूरा हुआ इसके बारे में मुझे बताया। धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रो, मैंने MCA किया था अपना, मास्टरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका था, और मेरे मॉम डैड मेरे को बहुत सुना रहे थे कि अब कुछ कर ले, और मुझसे जॉब हो ही नहीं रही थी, मैं टेक इंजीनियर था बट मुझसे वो हो ही नहीं पा रहा था, यानी क्यों नहीं हो पा रहा था मैं, और ऊपर से मैं मेंटली भी फील ठीक नहीं कर रहा था क्योंकि मैं म्यूजिशियन, रैपिंग का चस्का लग गया है, वो म्यूज़िक बनाने का चस्का लग गया है, और वो जॉब हो नहीं रही थी। देन आई हैड ए फाइट विद माई मॉम वन नाइट बहुत तगड़े तरीके से, और मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी चल रहे थे, तो मैंने रात रात में बैग पैक किया, घर छोड़ दिया, कुछ नहीं बताया किसी को, और मैं चला गया, यहाँ मुंबई आ गया, हाँ इधर पे। अब मेरे एक दोस्त था उसने अपने घर पे रख लिया मेरे को, एंड देन आफ्टर वन डे मैं डैड टेक्स्टेड कि मैं मुंबई आ गया हूँ, मैं जॉब ढूंढूंगा यहाँ पे, मैं यही रहूँगा अभी कुछ टाइम के लिए, देखते हैं क्या होता है। सो वो पहले मुझे याद आया कि सूरज त्रातक ने मुझे बताया था हाँ कि आप जॉब भी करते थे, बहुत छोटा रूम था और बहुत मेहनत कर रहे थे। हाँ तो वो सब था ब्रो, तो अभी घर पे बोल दिया उनके हिसाब से मैं बैठलना ही हूँ, मतलब मैं मज़े ही ले रहा हूँ वहाँ मुंबई में भी, मॉम डैड के हिसाब से मैं मज़े ले रहा हूँ इधर भी। सो बट अब आ गया था समझ, दुनिया को समझने का टाइम, 28 दुनिया समझनी थी क्या हो रहा है, और समझ में भी आया बहुत। अब ये सब स्टार्ट हुआ तब डॉली मैम से बात हुई, मैंने मैम को पहले ही बोला हुआ था कि मैम हम लुकिंग फॉर अ जॉब, कुछ होना है ऐसा टेक का जॉब तो मेरे को बताना, क्योंकि वो गूगल में थी पहले, अच्छा वो गूगल में जॉब करती थी। सो अब उन्होंने कहा कि हिंद, मैंने कहा एनजीओ टाइप का ना, बट उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने स्कूल ओपन किया हमने और यहाँ पे एक रैपिंग का टीचर चाहिए और यू आर गुड गुड एट इट, तो आ जा। अब गया वहाँ पे, एक छोटी सी सैलरी थी, एक घंटे का लेक्चर लेना होता था रोज, मैं ज़्यादा था, अब वो सैलरी मिली तो फर्स्ट सैलरी थी, आई वाज हैप्पी कि चलो मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, मतलब इतना भी बर्बाद नहीं कि कुछ ना हो पाए मेरे साथ। अब वो होना चालू हुआ तो स्कूल बहुत बुरी कंडीशन में था, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में बोल सकते हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं थी, कोई देखने वाला नहीं था, तो मी एंड डॉली वर गोइंग थ्रू वेरी हार्ड टाइम ऑन दैट टाइम, मतलब हम दोनों लिटरली हम लोग मेंटली फ्रस्ट्रेटेड, और लड़ाइयाँ होती थी मतलब मैनेजमेंट को लेके बहुत गंदी वो, और उनके पास और लोग नहीं थे मैनेजमेंट में खड़े करने के लिए, और मेरे पास कोई और सपोर्ट नहीं था जॉब ढूंढने के लिए। कई बार ऐसा लगता था बाहर में गया, म्यूज़िक व्यूजिक छोड़ के जाता हूँ, कॉल सेंटर कर लूँगा दिल्ली में, तो मिल जाएगी जॉब मेरे को आराम से, 40-50 कमा लूँगा मैं, बट फिर भी नहीं हो रहा था, पता नहीं कुछ तो था जो बार बार रोक रहा था कि कोई नहीं। तो एक टाइम पे ना मैंने कहा कि देख ही जाएगी, लाइफ बुरी चल रही है, कुछ भी हो, कुछ भी गंद चल रही हो, पूरा डाल देता उसमें सब कुछ, जितना सब इसमें झोंक दो आप, ठीक है। तो दिया, एंड देन स्कूल स्टार्टेड बिकमिंग बिग, और डॉली मैम ने भी पूरा अपना एनर्जी सब बंद किया, जो वो एक्स्ट्रा कर रही थी अपना गूगल वूगल सब छोड़ दिया उन्होंने, वो यहाँ गई, अब उन्होंने पूरा एनर्जी इधर लगा दिया, तो दो लोग पूरा एनर्जी पुश कर दिया, हम दोनों ने ही किया वहाँ पे एनर्जी पुश इतना। तो उसके बाद और भी थे टीम में, विक्रम था अभी, वो है उसने भी, वो बच्चा था वो बट टीचर बन गया था वो, उसने भी अपना लगाया पूरा दम, एंड देन स्टार्ट स्कूल बिकमिंग बिग बिग बिग, एंड देन मैंने जो 15 साल में अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए थे वो मैंने डालने अंदर किए, डॉली मैम के जो अपने कॉन्टैक्ट्स थे बड़े बड़े, और फिर क्योंकि आ गए, क्योंकि जो है डिजिटल मीडिया प्राइवेट, उन्होंने सपोर्ट करना चालू कर दिया, देन क्योंकि ने यूनिवर्सल को भी अंदर डाल दिया, देव सर हाँ, फिर रहमान सर भी इन्वॉल्व थे, और शेखर कपूर साहब भी आए, शेखर वो भी पहले से, वो शुरू से इन्वॉल्व थे बट एक टाइम तक थोड़ा, क्योंकि डॉली मैम भी पीछे थी तो इतना कुछ, बट एकदम से सब लोग आगे लगे फिर, और धीरे धीरे करते करते स्कूल बड़ा हो गया, एंड आज के टाइम में स्कूल बहुत सही चल रहा है, मतलब मैं जा नहीं पा रहा क्योंकि अभी मेरे को प्रॉब्लम होती है जाने में, रास्ते में चलने में सेलिब्रिटी हाँ दिक्कत होती है थोड़ी सी लोगों को। मुझे याद है ये जो हॉस्टल में आप थे तो रफ्तार भाई वहाँ पर आए, मैं भी उस टाइम मेरा फर्स्ट डे था मुंबई में, सो डॉली जी ने मुझे बोला कल आ जाता है सरप्राइज है, मैं गया वहाँ पर, रफ्तार भाई ने सबको लेक्चर दिया, उनकी मॉम आई थी, उनकी मॉम ने भी एक बहुत अच्छा सा क्लास दिया कि मॉम डैड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पता है क्या है वहाँ पे ना, देख मैं बाहर से आया हूँ, लोग मेरे को पसंद नहीं करते बहुत, लोग सीधी से बता देता हूँ कि ये इधर आके मैंने जो जो काम किया ना मुंबई में आके, इस 2 साल के टाइम पीरियड में आई गॉट लॉट ऑफ हेट,
क्योंकि वो लोग नहीं कर पाया। और ये फैक्ट है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, फैक्ट है, मैंने खुद देखा हुआ है। मेरे को लोग पसंद नहीं करते, मैं ज़्यादा कहता हूँ, दे टॉक टू मी इन ए रूड वे, इसलिए मैंने वो सर्कल ही बंद कर दिया। अब धारावी में भी ना जो लोग वहाँ थे, वहाँ पे बहुत आर्टिस्ट है पता है, बट ना आदमी को पता है कहाँ पे मार देते हैं, उसकी उसका ईगो मार देता है। मैं अगर वही लोग चाहते ना वहाँ पे अंदर वाले लड़के जो भी थे, वो ना उस जगह को बहुत बड़ा कर सकते थे, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा कि नाम होता। बट डॉली बाहर से आई हुई, और हम, मेरा बचपन से मन था कि मेरे को एनजीओ में काम करना है, और वो कहीं ना कहीं था मेरे दिमाग में, वो एनजीओ की जॉब लग गई मेरी। मतलब ये बेसिकली एनजीओ ही है, तो जहाँ पे हम एक नरिशमेंट कर रहे हैं बच्चों का थ्रू द म्यूज़िक, और उनको डेवलप कर रहे हैं कि बींग, अगर किसी को आर्टिस्ट बनना तो एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाए बहुत जल्दी। मेरे बच्चे मेरे से बड़े शोज़ कर रहे हैं भाई इस टाइम पे, मतलब वो रोलिंग स्टोन में अब आ रहे हैं इस एज पे, और मैं इस पे आ रहा हूँ, मतलब टी वी पे अब आ रहे हैं, मैं इस एज पे आ रहा हूँ। तो एंड दे आर गली बॉय मूवी में आए मेरे बच्चे, मतलब एक सोनू वर्क है, बीट बॉक्स है, वो गली बॉय मूवी में था। अब वो ऑलरेडी कितने कितने बड़े लोगों से मिल रहे हैं, अब वो ऐसे हो चुके हैं, स्वैग स्वैग, मतलब फर्क नहीं पड़ता। जब हम लोग बोलते हैं यार, अब तो उनको मैं कई बार समझाता हूँ, आई सिट विद देम, मैं उनको बताता हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की अपनी लाइफ में ताकि वो ना करे, क्योंकि वो एनवायरमेंट ऐसा है, उनको ड्रैग करता है वापस, खींचता है जो आसपास के हैं। सो हाँ, यही था, बहुत टफ था वो जर्नी स्कूल को बड़ा करने में, और अभी और भी करना है, अभी हम लोग और प्लान कर रहे हैं, बड़ा इवेंट्स हो रहे हैं, और बहुत सी है, डॉली बहुत मेहनत कर रही है, वो दिन रात मेहनत करती है यार। सो मतलब हम लोगों ने ना, मैंने दो साल ब्रो, मैंने 6 महीने सैंडविच नहीं खाया था पता है, मतलब ऐसे बुरे हाल थे कि मेरे को ना, जब मैंने 6 महीने बाद सैंडविच खाया ना, मतलब मैं रोने वाला था कि ये सैंडविच ऐसा टेस्ट करता है। तो हम लोगों ने इतना एनर्जी डाल दिया था ना उस पर, डॉली मैम ने अपना पूरा लाइफ जोक दिया उस चीज़ पे। आई नो, डॉली मैम ने मुझे भी कि मिलो वो, मतलब उनको बैक, उनके कुछ हो गया था, बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वो स्कूल पाती थी चल के कि चलो देखना। तो बहुत सबके बहुत वो रहे हैं, मतलब सच्ची मेहनत है। और मुझे ऐसा लगता है कि नो, आज के टाइम पे जो धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया काम कर रहा होगा। यू नो, आप चाहते हो आपका बच्चा यू नो हिप हॉप डीजे सीखे, बीट बॉक्सिंग, रैपिंग, तो जाओ। तो अभी तो बहुत बड़े बड़े लोग आ गए, डीजे, स्पिन डॉक्टर सिखा रहे हैं, मतलब गेस्ट लेक्चर के लिए आते, रफ्तार भाई आए थे, रफ्तार भाई आया था, फिर डिवाइन को प्लान कर रहे हैं, नेजी हो गया, ये सब लोग, मतलब सब लोग अब इंटरेस्ट है, मतलब उनको पता चल रहा है ना मूवमेंट हो रहा है, और वो लोग चाहते भी थे शुरू से, ये सब लोग चाहते थे कि कुछ ऐसे मूवमेंट्स हो, कुछ हो चालू, बट हम लोग आ नहीं पा रहे थे सामने, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत कम थी और पावर नहीं था इतना। अभी यूनिवर्सल है क्योंकि है, रहमान सर है, शेखर कपूर सर है, अनिल कपूर सर भी आए थे स्कूल पे, फिर रफ्तार भाई इन्वॉल्व हो गए, मतलब बड़े आर्टिस्ट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, सब फ्यूचर में लेट सीन होने वाला है वो, उसको बड़ा करना है स्कूल का, वो एनवायरमेंट चेंज करने के लिए है। तो मिलके अपन करेंगे, इसे चेंज करेंगे। आप तो आओगे, मैं आया दोबारा आऊंगा। अच्छा भाई मुझे बताओ, मैंने एक चीज नोटिस की आपके रैप सॉन्ग्स में, ये पंचेस ना बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े रिसर्च, यू नो, जिसको जो अगर पढ़ा लिखा उसी को समझ जाएगा कि उससे वो क्या रिलेटेबल था, क्या था, तो कितना काम करते हो पंचेस में? मतलब मेरा लिखने का ना थोड़ा, मतलब बताओ वो पंचेस, मतलब मैं उन्हें ना पंचेस उतना बोलता नहीं, क्योंकि मतलब आई डोंट नो व्हाई, मतलब वो ऐसा कुछ नहीं कि हम ब्रैगिंग, लेकिन लाइक अगर मुझे नॉर्मल लाइन भी लिखनी है ना, मैं थोड़ा उसको थोड़ा उपटा, थोड़ा उल्टा पुल्टा करके कर देता हूँ, ताकि इट्स नॉट लाइक अ स्टेट, अगर नॉर्मल सेंटेंस भी है उसको भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके बोलो, ताकि वो सोचना पड़े कि ओके 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 ओके, रादर देन मुझे मूवीज बहुत पसंद है, ठीक है, और लाइक स्टोरीज एंड ऑल, मतलब मुझे बहुत ये जो पॉप कल्चर से जो थोड़े बहुत यू नो पीपल आइडियाज वो बहुत पसंद है मुझे, तो मैं वहां से बहुत उठाता हूँ। तो व्हाट आई डू इज, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है ऑब्वियसली, मतलब जो मैं वो वर्ड, अगर मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, ये वर्ड बहुत पसंद है, तो मैं इसको कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ थोड़ा अलग तरीके से, रादर देन अगर मुझे सिंपल चीज भी बोलनी है कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, मैं ही इज अ वेरी गुड बॉय नहीं बोलूंगा, अरे ही इज दैट पर्सन, मतलब कुछ ऐसा दे दूंगा कि उसने को सोचना पड़ेगा क्यों ही इज दैट, मतलब ही इज लाइक ए जॉन लेजेंड, हाँ मतलब हाँ बना देगा उसको, सो जॉन लेजेंड, सो ही इज अ लेजेंड ऑल्सो एंड ही इज अ म्यूजिशियन लाइक लॉट, मतलब मुझे उससे ना लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, अगर मुझे अगर वो सब नहीं करना हो तो वो जल्दी लिख दूं मैं, लेकिन एंड में फिर बहुत मजे आते हैं, मतलब वो थोड़ा इंटरेस्टिंग मामला बन जाता है, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, और जो सुन रहा है उसको भी थोड़ा बहुत यू नो सोचने में थोड़ा मजबूर कर देता है, वो अच्छा भी लगता है कि ओ ओके ओके, मतलब रादर देन जस्ट, मतलब वो मोटिव मेरा ये नहीं कि हार्डकोर पंच हो जाए, वो बस है कि
थोड़ा सोचना पड़ेगा बस, मतलब होमवर्क करने में उसको पता अच्छा भाई वॉइड का गाना है पहले लिरिक्स खोल के बैठे अच्छा मतलब दैट्स ग्रेट एजुकेटेड टिपिकल हिप हॉप आर्टिस्ट विल अंडरस्टैंड दैट थिंग कि अच्छा या तो कभी-कभी ये होता है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि मैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स यूज कर देता हूं जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन है कि भाग रहा मैं दुनिया से जैसे मैं फॉरेस्ट गंप तो अब फॉरेस्ट गंप एक मूवी कैरेक्टर है तो अगर इस बंदे ने मूवी नहीं देखी है तो उसे समझ में नहीं आएगा तो वो ऐसा नहीं है कि हर बंदे को समझ में ही आए लेकिन उसे सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत मतलब और मतलब थोड़ा दिमाग लग जाने में तो वो हो जाए मुझे आता है उसका हिंदी वर्जन आ रहा है किसका फॉरेस्ट गंप क्या बोल रहे हैं आमिर खान साहब कर रहे हैं हां लाल सिंह मेरी फेवरेट मूवी है मेरी फेवरेट मैं रो गया था भाई पिक्चर देख मैंने भी So, ये आपका तरीका अच्छा आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो भाई वही दाजू भाई जी वाली बात है ठीक है तो भाई के बारे में बताओ ना कि लड़कियां कितने डीएम उनको आते हो भाई उसके डीएम मेरे को आते हैं चेक तो करते हो हां वो आपको आते हैं मेरी एक दोस्त है मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ठीक है एंजेलिना ही रहती है मिजोरम से वो रोज मेरे को टेक्स्ट करती है वॉइड को लेके ना मिलाने के लिए और मैं कहता हूँ वो है ही नहीं यहाँ पे यहाँ पे नहीं है क्योंकि मेरे को दिन में 10 टेक्स्ट आते हैं मैं इसको गलती से एक अपडेट कर दूँ मेरे को 10 लड़की का मैसेज आते हैं कल मैंने इसका हम दोनों का जो था कि मैं आई जस्ट लैंडेड वीडियो शूट का प्लान कर रहे थे एक लड़की मैसेज करती है वॉइड का व्हाट्सएप नंबर दे दो और मैं जानता भी नहीं हूँ मतलब मेरे को क्योंकि मेरे भी अब इतना प्रोफाइल बढ़ा होगा कि इतने मैसेजेस होते हैं तो अब देख के मैं क्या बोलूँ इनको यार फिर ये बहुत क्यूट है ये बहुत प्यारा है अब पहाड़ी में तो कोई नहीं बोलता वॉइड बहुत क्यूट है तो ये कह रहा ले लो वॉइड को ले जाओ इधर से तो इसका एक फोटो अपडेट करना मेरे लिए भारी पड़ जाता है अभी करेंगे फिर मैं करता हूँ आप बताओ भाई कितने एटीएम्स आते हैं मुझे तो वही ना मतलब सी आई एम सो हैप्पी कि आई डिड नॉट टॉक टू यू अभी जाके लाइक हासिल में आने के बाद मेरी आपसे बात नहीं है मेरी आपसे बात मेरे पहले गाने में जब हुआ था तो यू हैड सीन इट और तभी हो गई थी तो वो मतलब यू हैड नोटिस्ड और हमारा मतलब थोड़ा कनेक्शन तभी हो गया था तो ऐसा नहीं है कि हसल के बाद ही हमारी बात हुई तो वो बहुत अच्छी थी मतलब फुल मैसेज आ रहे हैं अच्छा तीनों पहाड़ी भाई है तो एक कुछ ना थोड़ी पहाड़ी वाली बात करते हैं मुझे ये बताओ उत्तराखंड हिप हॉप सीन के बारे में आप लोगों का क्या कहना है वहाँ के किन किन रैपर्स को आप लोग सुनते हैं सुनता है मैं हल्द्वानी का तो पता है मेरे को और देहरादून का भी पता है देहरादून हाँ वहाँ देहरादून के तो खतरनाक है लड़के अभी बीप भी हुआ था हल्द्वानी देहरादून हाँ पता है सो इट वाज अमेजिंग मैं देखता हूँ विवाद और डकैत शेट्टी मॉब डी मेरा फेवरेट है मॉब डी तो मेरा फेवरेट है डकैत शेट्टी डकैत शेट्टी मॉब डी बहुत पसंद है मतलब वो भी ऐसे शो भी रेफरेंसेस लेता है ना वो ऐसे उसकी हिंदी भी बहुत खतरनाक है भाई वो फ्री स्टाइल भी तगड़ा करता है हां वो फ्री स्टाइल बहुत तगड़ा फिर उसके बाद सूरज हो गया जो गढ़वाली रैप करता है वो तो भाई आप उसने तो मेरे को घर दिया था ना हां बहुत सही था वो घर 6 महीने काटा अंदर अपार्ट फ्रॉम दिस इतने और गाने हैं लाइक मैं इतने गाने अभी मैं क्योंकि अब वाला सीधे पार्ट जैसा है तो वो उस टाइप के और भी दिखाते हैं ना हमेशा लाइक सो देयर आर सो मेनी अदर की पीपल हैव स्पोकन अबाउट यू नो द हिल्स एंड स्पोकन अबाउट मैं वही बोल रहा हूं जैसे अभी डकैत शेट्टी है ही राइट्स सच अ नाइस सॉन्ग्स सब बराबर है बट हम लोग को ना कहीं जगह था सब अपॉर्चुनिटी और ना सपोर्टिव नहीं है कोई हिप हॉप कम्युनिटी में मैंने देखा अब हम दो ना मेरे को पसंद आया मैंने कहा भाई है इसमें चल ब्रो टूर करेंगे साथ में एक भी बंदा ढूंढ लेना जो एक दूसरे को खड़ा करके स्टैंड करके लेकर चल ब्रो हम लोग साथ में चलते हैं देहरादून का है देहरादून का है वहां यूनिटी उत्तराखंड में बहुत यूनिटी है उत्तराखंड में बट मैं इधर का बोल रहा हूं इधर का सीन यहां पे ऐसा ही है मैं ब्रो मेरे को किसी ने पूछा नहीं है 2 साल तक गायब हूं मैं वैनिश मतलब कोई ये भी नहीं आया तू कैसे चल रहा है आज के टाइम पे आके बात और मैं किसी को फॉलो ही नहीं कर रहा बात ही नहीं करता बट हो गया ब्रो तुम अपनी जिंदगी जियो अपने बट उत्तराखंड में कैसा है उन आर्टिस्ट को ना मैं तो चाहता हूँ उनको अपॉर्चुनिटी मिले बहुत मॉब डी तो मेरे को काम करना उसके साथ मैंने बोला भी उसको बट जिस दिन वो मेरे को बोलेगा ना भाई कुछ कर लेते हैं तो फिर मैं कर लूंगा इस इंटरव्यू के बाद मॉब डी भाई बोल देना तो मैं खुद चाहता हूँ कि जो एक जो हमारा कल्चर है पहाड़ी हम एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हैं मैं खुद चाहता हूँ वर्ल्ड कोलैब करे ही फेवरेट रैप सॉन्ग्स वो अपना जो अभी इन लोगों आया था
पहाड़ी लड़के 70% देख लेना था कहीं जा रहा है ना एक बी बॉयज में लड़के पहाड़ी है यार हां खतरनाक सीन है भाई 70% और रैपिंग में भी मैं जब इसको मिला डांसिंग में भी निकिता भी पहाड़ी है निकिता ज्योति शो में वो पहाड़ी थी ठीक है ये पहाड़ी मैं पहाड़ी फिर उसके बाद बेला देहरादून का वो भी एक तरह के पहाड़ी चार लोग पहाड़ी को से मतलब पहाड़ी लोग बोलते नहीं कहीं पे बट आधे पहाड़ी होते हैं वहाँ पे सो ये मैंने खुद देखा कम्युनिटी के अंदर सीधे मौत दोनों पहाड़ी हैं दोनों पहाड़ियाँ ठीक है और संजय संजय खतरनाक लगते हैं यंगस्टर ठीक है पहाड़ी है सो आधे तो पहाड़ी लोग टेक ओवर कर रखा है हर जगह टेकिंग ओवर पहाड़ की वाइब ऐसी होती है ना लाइक यू लाइक पीपल गो टू द हिल्स एंड दे लाइक ओके शांति जी वहां पे तुम आराम से लिखो जो लिखना है इट्स लाइक यू आर इन दैट जोन पहाड़ी लड़के कर रहे हैं तो मतलब आपको लगता है कि उत्तराखंड का जो सीन हिप हॉप सीन है फ्यूचर में वो लिट है ब्रो लिट है बट उनको ना कोई चाहिए ऊपर करने के लिए और ना सबसे पहले पता सबसे पहले सबको ईगो मानना पड़ेगा अपना अब क्योंकि अब पता क्या होता है लोग ना इस चीज़ में वो ये नहीं सोचता मैं डोकू बोलते हैं मैं डोकू बट वो अंदर ही अंदर ना डर रहता है कि मेरा काम खा जाएगा ठीक है अगर आपको अपने पे भरोसा है ना अगर आपकी नीयत साफ है ना ब्रो मैं कहाँ काम किया पता है ना मैं सर के साथ काम किया हुआ मेरी नीयत साफ थी मेरा काम बात देता बट मेरी नीयत साफ रही शुरू से तो मैं उस जगह पहुँच गया उस पॉइंट पर पहुँचा क्योंकि नीयत साफ रही हमेशा उसके बाद रैप तो हर कोई ये भी करता है ये क्यों नहीं पहुँचा वहाँ तक और कोई क्यों नहीं पहुँचा क्योंकि पहले आपको अपनी नीयत साफ रखनी पड़ती है तब आप पॉइंट पर रिच आउट करते हो आप यहाँ पे हो आपने उसको अच्छे तौर प्रोसेस से किया तो वो आपका प्रोजेक्ट ऊपर चला गया ऐसे ही हर प्रोजेक्ट चलते हैं तो ये यही है एक बार अपना ईगो खत्म कर देंगे ना सबके साथ एवरीवन विल रीच द पॉइंट सबको एक जगह मिल जाएगी बिल्कुल मतलब आपकी बात से मैं सहमत हूँ और करता ही कुछ उत्तराखंड का सीन भी थोड़ा सा लेट करते हैं करना है भाई ये रहमान साहब के साथ कैसे जुड़े हैं मतलब मार्वल का एंथम फिर वो बियॉन्ड क्लाउड्स उसमें जो गाना था मोटर वो करके एंड फिर हॉकी का एंथम मतलब रहमान साहब से कैसे जुड़े मतलब मैं ही जाना मतलब मिले सरप्राइज साहब मैंने क्या बात करो ओहो मतलब मैं स्कूल गया टीचर था ना इधर पे तो समीर सर क्यूकी में है क्योंकि यहाँ पे क्यूकी डिजिटल मीडिया समीर सर ने मेरे को टेक्स्ट किया क्योंकि उन्हें पता था मैं टीचर हुई यहाँ पर वो भी इन्वॉल्व थे इसमें बट उस टाइम पे बस उनको लग रहा कि ठीक है चल रहा थोड़ा इतना ध्यान नहीं था किसी का तो सर ने एक दिन टेक्स्ट किया कि एक वोकल टेस्ट देना है मूवी के लिए चले जाना तो रहमान सर के लिए क्योंकि रहमान सर इन्वॉल्व है इन जगह पे तो अब मैं गया तो वो वोकल टेस्ट नहीं चल पाया मतलब मैं दोनों में फेल हुआ दो वोकल टेस्ट में फेल हो गया था तो थर्ड भी आया और मेरे खुद के स्ट्रगल्स इतने चल रहे थे फेस था स्ट्रगल नहीं बोलूँगा फेस इतने गंदे चल रहे थे कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का मैं टीचिंग जॉब से फाइन हो गया था कि ठीक है 12,000 मेरे रेंट पे चले जाते हैं मैं बचता हूँ हर महीने मतलब बोले था कि हर महीने एक टेस्ट देना और आप पास हो जाओगे तो वो मेरा 12,000 का रेंट क्लियर हो रहा गले नहीं पड़ रहा गले नहीं पड़ रहा मेरा रेंट निकल रहा था तो अब यहाँ पे दो टेस्ट फेल हो गया तो मेरे को हो गया था हो गया शायद मेरा टाइम ओवर हो गया यहीं तक था मेरा म्यूजिक कैरियर अब मेरे को बंद कर देना चाहिए और इस पर फोकस करने बच्चों को बनाते हैं बड़ा तो अब थर्ड टेस्ट हुआ तो उस टाइम मेरी और मतलब फटी हालत हो चुकी थी मतलब ऐसा था कि मैं सांस ले रहा था बस और सब गंदा ही चल रहा था तो अभी वो वोकल टेस्ट दिया तो सर बैठे थे सामने सर ने कहा कि आप लोग कल आ जाओ रिकॉर्ड करने के लिए मैंने अब मेरे पास पैसे नहीं कल आने के लिए अब मैं मांगूँ ना किसी से मैं घर से भी नहीं मांगता तो अब मैंने सर को उस टाइम ये बोल दिया सर अभी कर लेते हैं और उनको नहीं पता था क्योंकि मेरे को मैंने अभी कर लूँगा तो मैं घर तो पहुँच जाऊँगा कम से कम तो मैंने कर लिया उस टाइम मेरे अंदर था कि जॉब है कंप्लीट कर लेता हूँ जॉब को तो किया अब वो रिकॉर्ड किया तो पहले तो मेरे से हो ही नहीं रहा था रिकॉर्ड क्योंकि इतनी टेंशन हो रही थी और अंदर से एनजाइटी हो रही थी मेरे को कि यार क्या हो रहा है क्यों हो रहा है मेरे साथ तो फिर बाद में मैंने थोड़ी देर अपने आपको समझाया कि कोई नहीं लेट्स डू दिस उसके बाद देखते हैं क्या होगा वो कंप्लीट किया और वो रिकॉर्ड हो गया मतलब अच्छा छोटे मोटे चला अब वो मेरे को बुला लिया चेन्नई वहाँ की उनसी टीम ने तो पहले तो मेरे को बिलीव ही नहीं होता कुछ टाइम तक कि ये हो रहा है फिर मैंने किया रिकॉर्ड रहमान सर ब्रो मैं सच्ची बता रहा हूँ मेरे को बहुत लोग ये चीज़ पूछते हैं उनसे मिल के कैसा हुआ उनसे मिल के मैं न्यूट्रल हूँ ऐसा बिल्कुल न्यूट्रल मतलब मुझे कुछ मेरे को मेरे लाइफ में इतना डिसिप्लिन आ गया ना उनको मिलने के बाद अल्कोहल बंद सिगरेट बंद मतलब मैं 3 पैकेट दिन के पीने वाला आदमी जो अभी छूटता तक नहीं इन सब चीज़ों को बढ़िया तो वो डिसिप्लिन ज़्यादा आए न्यूट्रल हो गया मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा उनके ना मैंने उनसे मैंने ये सीख लिया कि हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बींग हाउ टू बी अ हम्बल पर्सन तो वो मतलब उनके साथ काम करना मेरी जॉब थी बस एक मैंने अपनी जॉब कंप्लीट की अच्छी से और उन्होंने डाल दी बट सबसे बेस्ट चीज़ उनसे मैं प्रेयर नहीं करता मैं प्रेयर करना स्टार्ट हो गया आज के टाइम में सुबह उठते वाले प्रेयर करता हूँ तो ये सब छोटा छोटा चीज़ें एज ए ही टॉट मी लॉट ऑफ थिंग एज अ फादर
ठीक है, तो मैं उनको ऐसे ही ट्रीट करता हूँ कि आई लर्न लॉट ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम हिम एंड देन वो प्रोजेक्ट्स हुए तो ब्रो मेरे लिए वो जॉब था और मैंने अपना जॉब अच्छे से किया, कल को नहीं करूँगा तो मेरे को नहीं देंगे प्रोजेक्ट, मतलब जब अभी भी होता है कई बार वोकल्स आते हैं और मैं नहीं करता ठीक से नहीं आता वो प्रोजेक्ट मेरा, मेरे को नहीं लिया जाता उस चीज़ के लिए, अभी कल परसों मैंने प्रोजेक्ट किया था तो वो वोकल्स ठीक नहीं हुए तो उनको पसंद नहीं आया बेसिकली, सरकार नहीं था वो, उन्हीं के कहीं से था, तो ऐसा भी होता है कि नहीं होता, बट ठीक है आप हर जगह फिट इन नहीं होते, कुछ जगह आपके लिए बनी होती है आप हो जाते फिट, तो वही था बस, सो ही इज़ लाइक more like a teacher and father for me at the same time instead of मेरे को कभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उनके साथ काम, मतलब ऐसा नहीं लगा कि क्या हो गया, ये हुआ कि आई मेट समबडी जो एक हर किसी को एक टीचर की जरूरत होती है ना वो मेरे को वहाँ पे मिल गया था कि वो ही वाज अ गुड टीचर लाइफ यू नो सही पॉइंट पे आपको मेहमान साहब मिले म्यूजिक के साथ आपको लाइफ को लेके चीजें सीखी वही बहुत ज्यादा, अब वहाँ जाते तो उनका स्टूडियो का एम्बियंस ऐसा है शांत एकदम चुपचाप रहो बड़ा पॉजिटिव बड़ा शांत है सो बहुत पॉजिटिविटी वहाँ से मेरा लाइफ बिल्कुल चेंज है उनके साथ बैठ के कि लॉट ऑफ पॉजिटिविटी केम इन माय लाइफ मेरे को पता चल गया कौन गलत है कौन सही है किधर जाना है किधर नहीं जाना है तो ये सब चीजें अच्छी हुई बड़े भाई तो मतलब यू नो फ्यूचर में रहमान साहब के साथ और खतरनाक काम करते रहो लेकिन आप मुझे बताओ कि टेल मी व्हाट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आप दोनों में कोलैबोरेशन तो आ रहा है ये तो मैंने सुना है आप कैमरास के पीछे आप लोगों के मुंह से सुना था इसके अलावा खुद का और क्या क्या आ रहा है और क्या क्या आ रहा है ब्रो अभी तो मैं टूर्स पे हूँ मैं जान तक शायद टूर्स पे हूँ एल्बम का है प्लान रहा बट मैं इंडिया में एल्बम विदाउट लेबल नहीं चल सकती आपको तो मैं सोलोज ही प्लान कर रहा हूँ और मेरे सोलोज जो पहले तो एंडी वाले थे वो निकालूंगा मैं अभी जल्दी जल्दी लोग डिमांड कर रहे हैं रोज एक मैसेज आता है वो गाना निकाल दो और खुद के कुछ मेरे पास 10 गाने पड़े हैं जिनको मैं स्लोली स्लोली वीडियो शूट करके ड्रॉप करूँगा और तेरा समवट सेम प्लान तो मतलब नहीं मैं लड़की के साथ चैट करूँगा जान तक लड़कों को रिप्लाई नहीं करूँगा सो मतलब प्लान ये है एक्चुअली मेरा ना कोई स्पेसिफिक मैं प्लान लेके नहीं चल रहा मतलब द थिंग इज दैट स्टार्टिंग से ही मैंने ये करा था कि राइट मेक म्यूजिक गेट इट आउट राइट मेक म्यूजिक गेट इट आउट सो मेरे साथ सिर्फ ये प्रोसेस है और जो बाकी जो चीज़ें कहीं कहीं से कॉल्स आते रहते हैं प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं दैट्स हैपनिंग तो फोकस मेरा मेन यही है वर्क ऑन माई म्यूजिक एंड रिलीज तो एंड ऑब्वियसली ट्राई टू मेक इट बेटर ईच टाइम दैट आई रिलीज बाकी तो कुछ ये डिसाइडेड नहीं है कि मैं ये करूँगा वो तो जो भी फ्रॉम द वर्ल्ड इट कम्स टूवर्ड्स मी दैट्स एब्सोल्युटली फाइन बाकी जस्ट फोकसिंग ऑल ऑन द म्यूजिक अभी डांस का ये है सो मैं भी बोलता सो कर ले छोड़ मत चांदनी का है चांदनी शी इज डांसिंग साथ नहीं करते नहीं नहीं तो वो अभी डांस के लिए इसका अलग प्रोजेक्ट हो गया इसका अपना अलग बाहर दुनिया के लिए नहीं कर रहा हूँ और मोटिव वही है कि इम्प्लीमेंट माई डांस इन टू माई वीडियोज क्योंकि आई कांट लेट इट गो मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का सो अभी दिखेंगे वीडियोज दिखेंगे ऐसे फ्यूचर में मतलब कुछ चीज ब्राउन शेड ओहो सही है सही है फिर तो समझ गया मतलब हिंट समझ गए हिंट काफी था अरे बड़ा है प्रोग्राम से कुछ या नो द थिंग इज अभी ऐसा है ना कि मेरा म्यूजिक ना बहुत पर्सनल रहता है लाइक इट्स नॉट आई डोंट यूजुअली राइट फॉर कमर्शियल पर्पसेस आई राइट फॉर माय ओन पर्पस सो इट्स ऑलवेज वेरी पर्सनल एंड तो हर चीज पे ऐसा नहीं हो सकता कि ओके गाना बना दिया चलो इसमें डांस करो वो मेरे हमेशा नहीं होता है बट ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू मेक म्यूजिक विच यू नो makes you feel good and everything also so usme dance rap dono clash karke nikalunga stuff the future mein dono bhai aag lagane wale hain you know abhi jo track aane wala god gift is like hai bahut hame so ek abhi humne kara bahut main iske samne likh raha tha aur ye hans raha tha jab hasal ke aur main dekha tha ki gao thoda sa ha main wahi bolne jaane se pehle kuch rap is like रहता हूँ अकेला मैं अपनी ट्रिप में आता मजा बड़ा जिंदगी मेरी ये एकदम लिट है ये गॉड गिफ्ट है एकदम लिट है ये गॉड गिफ्ट है सो ये गाना मैं ऐसे ही बैठ के बना रहा था उसके सामने मैंने कहा लाइफ चेंज हो गया मेरी लाइक आई हैव एवरीथिंग नॉर्मल नाउ बर्बाद नहीं है तो मैंने कहा गाना बना रहा हूँ तो मैं लिखने लगा फिर अभी दिल्ली में था ये तो मैं चला गया इसका स्टूडियो बैठा था अपने प्रोड्यूसर के साथ मैंने कहा ब्रो जल्दी माइक वाइक ऑन कर कहता क्या हो मैंने कहा रिकॉर्ड कर रहे हैं दोनों गाना तो ऑल ऑफ सडन था वो मैंने इसको बोला भी नहीं एंड आवर स्टाइल्स आर टोटली डिफरेंट ही इज लाइक ऑन द फुल चिल यू नो मेलो साइड आई एम इन अ लिटिल मोर अग्रेसिव एंड अ लिटिल फास्ट दैट एकदम अलग है
तो वही, लेकिन करने से आपने तो थोड़ा अलग, तो मैंने इसको बोला, मैंने इसको बोला भी नहीं, मैं गया और मैं माइक पे खड़ा हो गया, मैंने कहा जल्दी पीपी वाला लगा डाउनलोड करके हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस गाने को। तो उसके प्रोड्यूसर ने लॉ बॉय ना, हां लॉ बॉय ने फिर वो बीट बनाया, अभी उसने सैंपल भेजा है मेरे वॉइस पे, शायद ऑटो ट्यून लग रहे हैं थोड़े से, और उसके बाद सीन सेट एक का सही। अच्छा भाई यू नो क्या बोलते हैं आपके फैंस के लिए बताता हूं कुछ रैप हो फैंस के लिए कुछ। ओके, रहता हूं अकेला मैं अपनी ट्रिप में, आता मजा बड़ा जिंदगी मेरी ये एकदम लेट है, एकदम लेट है, ये गॉड गिफ्ट है, एकदम लेट है, ये गॉड गिफ्ट है। मैं लेता मजे किसी के आगे ना कभी झुके, हरकतें करते जो खत्म हुए, क्योंकि भाई तेरा अकेली फौज है, हर एक गाना मेरा भयानक खोज है, जिंदगी जीता मैं अपने तरीके से, लड़की पैसा गाड़ी सबकी ही नीड है, पर मैं सबसे अलग, गानों में देता मैं सबको सबक, हूँ मैं आजाद, हर दिन मेरा है 15 अगस्त, दे दो पदक, क्योंकि कर्म मेरे बहुत बड़े बड़े, गुत्थी सुलझा दे हम बस खड़े खड़े, मुश्किलें आए तो बस अड़े रहे, मिजाज शायर बोल गुलजार के, रैप के जरिए हम नज़्म पढ़ रहे हैं। क्या बात है, गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। वर्ल्ड कौन है, क्या ये रैपिंग का डॉन है, नहीं शतरंज में ये पॉन है, नहीं राष्ट्र पेंटागन है, सही वर्ल्ड कौन है, आइकॉन है, माइक कौन तो साइक्लोन है, बाय गॉड तू पाइथन है, राइट रॉन्ग क्या पाइथन है, जलता तू नायलॉन है, निकल ए ए ए बैटल करना चल, गेम्स ऑन मिशन 007 जेम्स बॉन्ड इस गेम का कौन चीफ, तुझे मैं क्या बोलूं, मेरा कुछ बीफ, हां मेरे गाने नहीं वायरल, इनके बने वाइनल, होने लगे स्पाइरल, अब तो सीधे फाइनल, मैं बजे वायलिन, बाकी लोग क्या On silent, ए, तेरे लिए मुश्किल मेरे लिए आसान, प्यार नहीं फिर भी गले पे निशान, हिप हॉप की दुकान सच्चाई की जुबान, रैप गेम में ठंड रैपर्स को जुकाम, कोई डांसर रैपर बनने ना जा, डिवाइन रफ्तार के लिए मैं नाचा, पर तुम नहीं जानते शब्दों के दरबारों के, हम है ख्वाजा रैप मेरे लिए मॉर्फिन, आई फील पेन विल ऑफन, अकेले जाने लगा शॉपिंग, आई पुट रैपर्स इनटू देयर कॉफिन, फ्लो मेरा सर्वश्रेष्ठ, कॉपी करके ये करते पेस्ट, फिर भी फीका है इनका टेस्ट, वेस्ट मत कर पल, अब जल्दी से निकल। क्या बात है, और यू नो बहुत ही जबरदस्त था ये तो, मतलब अच्छा लगा, मजा आ गया। तो देखो यू नो मेरे शो पर आए हो आप, खाली हाथ में आप दोनों भाइयों का से जाने नहीं दूंगा, क्या बात है, गिफ्ट हम लोगों के लिए, अरविंद मंकी और राज जोस की तरफ से आपके लिए कुछ गिफ्ट्स है, ये आप खोल के से कैमरे में दिखा सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू अरविंद मंकी, यार तुम लोगों ने पहले दे दिया होता मैं इतने ढंग से काम कर रहा हूं, कोई ना खोल सकते हो, इसकी अनबॉक्सिंग करो, खोलो, अनबॉक्सिंग करना है, वाओ ये तेरे टाइप का भाई, कैप्शन 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 के साथ अर्बन मंकी, नाइस वाइल्ड, इसकी सारी कैप मेरे घर पे पड़ी हैं, मैंने सही मैं आप ब्लैक मेरे टाइप का, बस गुड नाइस मैन। सो ये आप लोग मेरे कैप्शन, थैंक यू सो मच, एंड यू नो और मेरे भाई जैसे फर्स्ट टाइम आप मेरे शो पर है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोस, फर्स्ट टाइम आप मेरे शो पर है, तो मेरे शो पर आकर आपको क्या लगा ये होता, लाइक कई सालों से अब वी वर जस्ट वॉचिंग वीडियोज एंड यू नो बातें हो रही थी हमारी, हाँ बातें हो रही थी, और मतलब मैं वीडियोज देख रहा था और यू नो ये देख रहा था कि लाइक द प्योर मोटिव योर वाज टू यू नो हेल्प द रैपर्स एंड गेट देम आउट इवन फर्दर, लाइक टेल द स्टोरीज इन अ स्पेस जो नहीं मिलता, हाँ मतलब हम लोग लिखते हैं गाने लेकिन ऐसे बातचीत करके नहीं होती हमारी बातचीत, हम नहीं बताते लाइक लोगों को, एंड मुझे वो ये प्रोसेस ना बहुत पहले से बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, लाइक सेम थिंग ही सेड कि ही आल्सो वांटेड टू बी हियर, एंड लाइक मेरा जो प्रोड्यूसर है लॉय बॉय, लाइक ही इज आल्सो सच अ यू नो थिंक कि उसे भी ये चीज़ इतनी अच्छी है, ही वाज लाइक यार काश मैं भी होता यहाँ पे एंड ऑल दैट, सो शाउट आउट टू लॉय बॉय फॉर दिस, मतलब ही इज आल्सो ही लव्स यू, लाइक यू नो ही लव्स द वर्क यू आर डूइंग, भाई भाई तो बहुत लोग पसंद करते हैं, हां तो आई लव्ड व्हाट यू आर डूइंग, एंड आज यहां बैठ के तो एकदम ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो देख रहे थे आप, क्लिक करा चलो अपने वीडियो स्टार्ट कर दिया, लाइक मैं अभी इक्का भाई मेरा दोस्त है, इक्का बचपन के हैं, इससे बचपन के दोस्त हैं, ठीक है, फिर रफ्तार भाई को भी मैं 2011 से जानता हूँ, और तो उन लोगों को देखना उस चीज, और मैंने नेजी का इंटरव्यू, मैंने सब नेजी का इंटरव्यू कहीं स्ट्रीट पे लिया ना, हॉस कास्ट में नहीं, वो लिया था दिल्ली कहीं पे तो लिया था, वो टाइम पे देखा था ना मैंने, तो यू नो इतना कुछ किया हुआ था, तो मेरे को लगता था कि दिस इज लाइक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि आप भी हम अब आपके थ्रू हमको जहाँ में 1 लाख लोग जानते हैं, आपके थ्रू शायद 10,000 लोग और जान जाएंगे, ठीक है, तो इट्स लाइक ए गिव एंड टेक वाला थिंग, सो इट वॉज इन माई माइंड ऑल्सो कि आई वॉन्ट टू बी देयर, आई वॉन्ट टू बी विद दिस गाय, आई वॉन्ट टू सिट विद हिम, बट देन आई रियलाइज आई हैव टू डू समथिंग टू बी हियर, है ना, वही होता है कि आपको आपको कहीं पहुँचना था, आपको अपनी पोजिशन इतनी बनानी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग की, देन यू रीच देयर, एंड देट दैट वुड हैपन एक्चुअली, आई वर्कड हार्ड एंड देन आप 3-4 बार मिल लिए मेरे को, मतलब शायद होना ही था ये, 2 बार तो इंटरव्यू कैंसिल किया गया, कुछ दिक्कत टकराए हम लोग और मिले, सो इट वॉज ब्यूटीफुल टू बी हियर, और
I think like मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे को झूठ बोलने की बिल्कुल आप पार्टी तो झूठ भी नहीं बोलते. So it's like this show is really good for the like कोई भी आर्टिस्ट जो देख रहा होगा उधर बैठ के उसके लिए भी बहुत अच्छा. अभी मेरे को पता है जैसे मैं सोच रहा हूँ तो वैसे 50 लड़के और सोच रहे होंगे कि राजन भाई के साथ बैठ. यू आर लाइक ए सेलिब्रिटी, वो फेमस आप इंस्पायर करो आपकी कहानी से और लोग इंस्पायर होंगे. सो भाई इट्स लाइक अ गिव एंड टेक और इट्स शेयरिंग एनर्जीज विद ईच अदर एंड दिस शो इज लाइक प्रीटी ब्यूटीफुल. आई वांट लाइक बहुत बड़ा हो जाए, Amazon भी ले ले इसको, Netflix भी ले ले मैं तो बोलता हूं. एंड लाइक यू कैन नॉट यू नो टॉक एंड शेयर लाइक these kind of things always with everyone, मतलब वो नहीं हो पाता. तो I'm sure जो बातचीत हम लोग कर पाए, मैं doubt है कि मैं अगर कोई और interview दूँ वहाँ पे ऐसी बातचीत हो, chance ही नहीं है. मेरा था यहाँ पे आना, मैं चाहता भी नहीं कि real content नहीं दे. हाँ वही, मतलब वही naturally, मतलब ये चीज़ हो रही है. मैंने इनको inbox भी किया था 2017 में कि भाई I like your show, भाई देखा भी नहीं होगा आपने Facebook में. मुझे बहुत अच्छा लगा. फ्यूचर में खतरनाक काम करो, जी फाड़ काम करो, आग लगा दो. और थैंक यू सो मच. थैंक यू एट दी एंड तीन पहाड़ी सफे भाई. थैंक यू.